एक मौलाना साहब का बेटा बड़ा जहीन फतीन बेटा था, और उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवाया। बेटे ने पूरे ज़िले को टॉप किया, इतना जहीन बच्चा था। बाप ने मैट्रिक के बाद बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। सानिया आमा का उसने इम्तिहान पास किया, अचानक उसने पढ़ना छोड़ दिया। सानिया आमा का इम्तिहान भी उसने ऐसे पास किया कि पूरे मदरसे को टॉप किया। बड़ा जहीन ए प्लस ग्रेड का तालिब इल्म, अचानक उसने पढ़ना छोड़ दिया। प्यो बड़ा दुखी होया कि चंगा भला चल रहा सी, पता नहीं इन्हें क्यों पढ़ना छोड़ देता है। अपने पीर साहब को लै गया, ऐ पुत्र है जी दाखिल कराया है, बड़ा जहीन है, पूछो इसको इसने क्यों छोड़ देता है पढ़ना। पीर साहब ने फरमाया, पुत्र के गल है, चंगा भला तू पढ़ रहा सर। उस आख्या नहीं बस मैं नहीं पढ़ना, मैं अपने दोस्त नाल गल की थी, मैं यूरोप जा रहा, मैं नहीं पढ़ना। आपने फरमाया, पुत्र गल तो दस ना, गल की है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा, वजह क्या। नौजवान ने कहा, बस पीर साहब मैं नहीं पढ़ना, कह जे दिता है मैं नहीं पढ़ना। पीर साहब ने कहा, पुत्र आखिरकार कोई वजह होनी है, दीन पढ़ा, अल्लाह ताला ने बरकत रखी दीन विच। नौजवान कहता है पीर साहब को, आप बरकत समझते हैं, मैं समझता हूं दुनिया वाले नहीं समझते, मैं समझता हूं दीन में बरकत है, आप भी समझते हैं, दुनिया वाले नहीं समझते, मैं नहीं पढ़ना। पीर साहब ने कहा, बेटा अल्लाह रसूल जो एजाज देते हैं दीन पढ़ने वाले तालिब इलम को, वो भी तो हमें आंखों के सामने रखना चाहिए। तालिब इलम दियाँ टावा निकल गई। पीर साहब ने वादा है, मैं पढ़ के करना क्या, पंजी साल हो गए मेरा वालिद मस्जिद की छत पे रहता है, मस्जिद का इमाम है, और मेरे बाप ने के कमाया है, के बनाया मस्जिद, मैं नहीं पढ़ना, मैंने मजहब नहीं पढ़ना। एजाज आप समझते हैं, दुनिया वाले नहीं समझते। चार मेरिया भैन, बड़ी भैन ना रिश्ता आया है, जिस औरत ने मेरी भैनू ने सस बनना सी ना, वो मस्जिद दे बूहे अगे आके खल गई। जिस रिश्ता करवाना सी, उस आखिया भैने सीढ़ियां चढ़ के अपर जाना है, उस आखिया हाय 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 हाय, ये मसीती ते रहने, ये मसीती अपर रहने, मैं नहीं करना अपने पुत्र ना रिश्ता, मैं नहीं करना, मेरा पुत्र कितने आगे रह सी, ये मस्जिद की छत पे रहते हैं। हाय, वो नौजवान आहदा, मैं एक सतून के साथ खड़े ये बातें सुन रहा था, मैं टोपी ला के परा सकती, मैं कह नहीं पढ़ना, मजहब असा मेरी हाफिजा पैण, आलमा पैण, कारिया पैण, जिसनु इलम नहीं कमी नहीं, नेकनामी नहीं कमी नहीं, हुसन नहीं कमी नहीं, एक मिनट में उस औरत ने रिश्ते तो इनकार कर चुके। साखिया मैं नहीं करना, जड़ी रिश्ता करवाण वाली सी, उस साखिया चल तू करना नहीं, लेकिन कम अज कम जाके बेटी नू देखते लवी है। उस आखिया तक लवेंगे जरूर, तू पई आनी है, मैं तक इंसान, लेकिन इनकार है थैया मेरा, मैं को नहीं करना इस बच्ची नाल रिश्ता, मेरा बेटा कितने रहेगा, ये मस्जिद की छत पर रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मजहब ने हमें क्या दिया है, मैंने नहीं पढ़ना। उसने टोपी उतारी और फेंक दी और कहने लगा कि बस मैंने नहीं पढ़ना। वो ये बात कह के चला गया यूरोप। पीर साहब कहते हैं, आज भी उसकी बातें मुझे रात को सोते हुए जगा देती। आपको क्या पता इनका क्या हाल। उलमा और तलबा को लोग कोई दूसरी मखलूक समझते हैं। मस्जिद का इमाम अगर घड़ी अच्छी पहन ले ना, मोबाइल कीमती ले ले, लोग आने ने फिट गया, असा को आया सी तो बिल्कुल कड़ी कोई नहीं सी पाना, हमारे पास आया था तो उसके पास मोबाइल था नोकिया का, हूँ इस नवे मॉडल ने मोबाइल रख ले। अगर मोटरसाइकिल ले लें मस्जिद का इमाम या खतीब, गाड़ी ले ले अच्छी, तो मोहल्ले में उसको निकालने और फारिग करने की बातें शुरू हो जाती, इन्हों नहीं रखना। उलमा और तलबा को और आइम्मा को लोग दूसरी मखलूक समझते हैं। कारी रजा साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ, थल्ले तक मैं पानी न करता, सुभान अल्लाह दे बोल छोड़ो यार, माजरत माजरत से मैं सारी मस्जिदों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूं।
मसाजिद के आइम्मा को, मसाजिद के खुतबा को लोग दूसरी मखलूक समझते हैं। वो ये समझते हैं महंगी घड़ी लेना, महंगा मोबाइल लेना, महंगी गाड़ी लेना वो हमारा हक है, मस्जिद के इमाम का नहीं है। मस्जिद का इमाम घड़ी नहीं पहन सकता, वो अच्छा मोबाइल पास नहीं रख सकता, वो अच्छी गाड़ी में सवारी में सफ़र नहीं कर सकता।